अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह का टाइम, जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन, फजर की नमाज़ और तलावत, यासीन। और यासीन का तो माशाल्लाह से मामूल होना चाहिए हर मुसलमान का, क्योंकि जिस तरह हम खुराक पे पलते हैं, इसी तरह हमारा ईमान जो है ना वो आमाल पे पलता है। तो ईमान को पालने के लिए अमाल की ज़रूरत है। तो अमाल जो है ना, जिस तरह से नमाज़ फ़र्ज़ है, मैं समझती हूँ कि नवाफिल का इत्तेमाम भी इसी तरह से होना चाहिए हमारी रोज़मर्रा जो इबादत हैं उनमें। और जो अमाल हैं वो हमें हर तरह की शरूर से, हर तरह के शर से बचाते हैं, शैतान से बचाते हैं, बदमालियों से और जितनी भी बुराइयां इधर उधर से आती हैं वो उनसे बचाते हैं। और स्पेशली जो मुवज़तें हैं, आखिरी दो सूरतें हैं, ये मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से आने वाली हर तरह की, ऊपर और नीचे से आने वाली हर तरह की बुराई, हर तरह के वबाल, हर तरह की परेशानी से हमारी हिफाजत के लिए हैं। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दोनों सूरतें नाजिल हुई थी कि इन दोनों का इंतमाम ज़रूर किया करें। और आप सलाम ने उसके बाद हमेशा इसका मामूल रखा। तो मेरी भी कोशिश होती है, मेरी फजर के बाद एकदम से क्लास होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं यासीन और मंजिल का एहतमाम ज़रूर करती हूँ। मंजिल वो बेहतरीन आयात हैं जो कुरान में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पूरे कुरान से चुन चुन करके हमारी ही प्रोटेक्शन वाली आयात की एक कलेक्शन है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अमाल के लिए, हमारी जो है ना सेहत की हिफाजत के लिए, हमारी दुनियावी नियामतों की हिफाजत के लिए, हर तरह की नज़र से बचाने के लिए, जादू जिन्नात हासिदीन के हसद से बचाने के लिए, हर चीज़ के लिए एक बेहतरीन प्रोटेक्शन, एक बेहतरीन हसार जो है वो ये। तो ये जो मामूलियात ज़िंदगी होते हैं ये तो रोज़ चलते रहते हैं। आज जुमातुल मुबारक का दिन था तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना फजर के बाद बच्चों को स्कूल भेज के अपने नाश्ते का इंतज़ाम किया, ऑमलेट बनाया और चाय बनाई, चपाती खाते हैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, तो ऑमलेट के साथ चपाती बड़ा मज़ा करती है। और ये नाश्ता वगैरह तैयार किया, फिर जुमे की तैयारी, बच्चे स्कूल से आए उनको गुसल करवाना, उनकी जुमे की तैयारी करना, सारे वही मामूलात जो हर जुमे को शेयर किए जाते हैं वही। तो आज मैंने स्पेशली, मैं कह रही थी कि वीडियो के साथ मैं आपसे ये बात करूँगी अपनी प्रोटेक्शन वाली। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन हो और वो हमारे ऊपर जादू करे तो हमारे ऊपर बुरे असरात आते हैं, या हमारी सेहत के ऊपर, या हमारे कोई किसी किस्म के भी, ज़रूरी नहीं है जादू हो, हसद भी हो सकता है, नज़र बद भी हो सकती है, किसी किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हम अगर किसी जादू वाले के साथ इवन के शेयरिंग कर रहे होते हैं ना, हम एक प्लेट में खाना खा रहे हैं या उसका जूठा खा लिया तो उसके भी असरात मुंतकिल हो जाते हैं। तो इन सारे जो असरात हैं इनसे प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मुवज़तैन का एहतमाम खुसूसी करें, और हम स्पेशली हम इसको मंजिल को अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें। तो जुमे का दिन तो वैसे भी ज़्यादा ही लोग करते हैं, सारे ही जिन्होंने आम रूटीन में नहीं करते वो भी करते हैं, तो ज़रूर क्या करें, डेली रूटीन में फजर के बाद और मगरिब के बाद मंजिल का एहतमाम बहुत ज़रूरी है हमारी हिफाजत के लिए। तो ये तो मेरी कैजुअल सी रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, अपने नाश्ते की और फिर दिन के टाइम की। तो मतलब मकसद जो है वो बात करने का था। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह पाक आप सब की भी हिफाजत करें और हम सब की हिफाजत करें। तो इस हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने जो हमें रास्ता बताया वो हमने ज़रूर चुनना है, उसका एहतमाम करना है। तो जुमे वाले दिन की 5 सुन्नतें ज़रूर पूरी किया करें, खुशबू लगाना, सूरह काफ़ पढ़ना, गुसल करना, साफ़ कपड़े पहनना और